ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत स्टाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के निर्देशन में अपनी समस्या को लेकर सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन के द्वारा बताया कि अनीशस और अजमेर राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी सहारनपुर में कार्यरत था, जो स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करता था और मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली औरतों के साथ भी बदतमीजी करता था। इसके कुछ मामले सरसावा थाने में भी चल रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए लगभग 13 वर्ष से इसे पूर्व प्रधानाचार्य ने बाहर निकाल दिया था, परंतु नवंबर नियुक्त प्रधानाचार्य अरविंद त्रिवेदी इसको पुनः ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं, जिसका पता लगने पर मेडिकल कॉलेज का लगभग 50 से 100 लोगों का स्टाफ कल भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से मिले और इसका विरोध जताया, जिससे स्टाफ में पूरा विरोध है। इसी समस्या को लेकर हम आज सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं और हम सभी की यह मांग है कि इस व्यक्ति को नहीं रखा जाए, जिससे पूरे स्टाफ का माहौल खराब न हो। इसी कारण भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी कांशीराम भी इसका विरोध करती है और पूरे राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्टाफ का सम्मान करते हुए पूर्ण रूप से सहयोग करती है। एक राजकीय मेडिकल कॉलेज है पिलखनी में, तो उसमें एक अनीस नाम का लड़का सुपरवाइजर का काम करता है, जो अभद्र व्यवहार करता है अपने पूरे स्टाफ से और औरतों के साथ जो है ज्यादातर बदतमीजी करता है। पिछले 1.5 साल से वो निष्कासित किया हुआ है, प्राइवेट काम करता था लेकिन निष्कासित किया हुआ है, और अब जो अरविंद त्रिवेदी जी जो प्रधानाचार्य आए हैं उनको पुनः लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस संबंध में हमने अवगत कराया है, जिससे हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। कल 50 से 100 लोग हमारे पास आए थे मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के लोग, तो उन्होंने हमें अवगत कराया कि वो इस तरह का बदतमीज व्यक्ति है, तो वो बदतमीजी ज़्यादा करता है और दबंगई दिखाता है स्टाफ के साथ, तो हम उसका विरोध करते हैं और विरोध के करते हुए हमने जिला अधिकारी महोदय को ये चीज़ अवगत कराई है कि उसकी नियुक्ति ना हो पाए। यदि आपके मामले में संज्ञान नहीं लिया गया फिर क्या करेंगे? अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो हम पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इसका विरोध जबरदस्त करेंगी और ज्ञापन भी देंगे और सड़कों पर बैठेंगे।